पैसिव इनकम नंबर वन, रेंटिंग आउट रियल एस्टेट. बहुत बढ़िया आइडिया, लेकिन समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल अपफ्रंट. अगर आपके पास कोई दुकान है या कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है या घर है, तो उसको अगर आप रेंट पे चलाते हैं क्योंकि आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, देन यू स्टार्ट गेटिंग अ रेंटल इनकम एंड दैट एड्स टू अ पैसिव इनकम स्ट्रीम, क्योंकि उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा. अगर आप रियल एस्टेट में प्ले करना चाहते हैं बट यू कांट इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ मनी, देन REITs आर अ ग्रेट वे टू डू दैट. REITs मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. स्टॉक्स की तरह ही स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होते हैं. सिर्फ तीन हैं इंडिया में और वो तीनों के तीनों बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज हैं. तो उनका जो रेंटल इनकम जनरेट होता है उससे आपको ग्रोथ मिलती है इन योर इन्वेस्टमेंट. सो इट इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट मेकिंग पैसिव इनकम फॉर एज लो एज 500 रुपीज, विच इज द मिनिमम अमाउंट यू नीड टू स्पेंड टू बाय अ REIT. इसी के चलते पैसिव इनकम आइडिया नंबर दो, रेंटिंग आउट इक्विपमेंट्स. अगर आपके पास रियल एस्टेट नहीं है रेंट आउट करने के लिए, तो आप जो चीजें ओन करते हैं उसको रेंट आउट कर सकते हैं. वो आपकी साइकिल हो सकती है, आपका कैमरा हो सकता है, आपके टेक्निकल गुड्स हो सकते हैं. एनीथिंग दैट यू बिलीव पीपल नीड, लेकिन आपको उनकी उतनी जरूरत नहीं है या उतना एक्टिवली आप उसको यूज नहीं करते हैं, सो यू रेंट इट आउट. फॉर एग्जाम्पल, मैं फोटोग्राफी एंथुजियास्ट हूं, तो मैं अगर कभी भी किसी वाइल्ड लाइफ सफारी पे जाता हूं तो बहुत बड़े बड़े वो लेंस चाहिए होते हैं, एंड मैं वो 4-5-6 लाख रुपए का लेंस नहीं खरीदना चाहता. सो आई एक्चुअली रेंटेड आउट फ्रॉम फोटोग्राफी स्टोर्स, जिनके पास वो लेंस है, वो उसको अच्छे से बरकरार रखते हैं, एंड देन दे विल गिव इट टू मी फॉर नथिंग एज कंपेयर टू द एक्चुअल प्राइस ऑफ द लेंस. वो मुझे साल में कितना, 2-3 मैक्सिमम 5 दिन यूज करना होगा. सो आई गेट द बेनिफिट एंड दे डू एज वेल. तो अगर आपके पास ऐसा कोई इक्विपमेंट है, यू कैन रेंट आउट एज वेल. रेंटल इनकम आइडिया नंबर तीन, यूजिंग AI टू जनरेट एन इनकम. ये एक्सप्लोजिव है 2023 के लिए, खासकर अगर आप एक कंटेंट राइटिंग जॉब लेना चाहते हैं. कंटेंट राइटिंग बहुत ही एक्टिव प्रोफेशन है, आपको लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, लेकिन विद AI, विद टूल्स लाइक ChatGPT, आप सिर्फ एक सवाल उन पे डाल सकते हैं, एंड दे विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो टू बिकम अ AI एक्सपर्ट और अ कंटेंट राइटर. सो कंटेंट राइटिंग जॉब्स इन 2023 इज एक्चुअली अ पैसिव इनकम स्ट्रीम, अगर आप AI यूज करके स्मार्टली एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं. इसी के चलते पैसिव आइडिया नंबर चार, होमवर्क हेल्प. होमवर्क हेल्प एक बहुत ही बढ़िया तरीका है एक साइड इनकम कमाने का, लेकिन एक्टिव इनकम है. आपको अपने घंटे डालने पड़ते हैं, वो सवाल समझना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है, लेकिन व्हाट इफ AI कुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड गिव यू द सॉल्यूशन. तो आपका वक्त सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को समझाने में जाएगा, एंड दैट सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम, मेकिंग इट इनटू अ पैसिव इनकम स्ट्रीम. तो अगर आप AI को यूज करके होमवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एंड फिर वो सॉल्यूशन स्टूडेंट को समझा सकते हैं, आपका वक्त आधे से भी ज्यादा कट हो जाता है एंड आप उतना ही इफ नॉट मोर पैसे कमाते हैं. इन दोनों AI अप्रोचेस को समझने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्सेज Udemy पे हैं, जो कि इस वीडियो का स्पॉन्सर है, बिकॉज इट हैज द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल बाय वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रक्टर्स ऑन एवरी टॉपिक पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि ChatGPT मास्टर क्लास, अ कंप्लीट ChatGPT गाइड फॉर बिगनर्स. अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि ChatGPT क्या है, विच इज इंसिडेंटली द फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर एवर प्रोड्यूस टू रीच 1 मिलियन यूजर्स, सिर्फ 5 दिन के अंदर वो पहुंच गए थे. दिस इज अ कोर्स दैट यू वॉन्ट टू पिक अप. ये कोर्स सिर्फ 6 घंटे का है, ऑन डिमांड है, attractive pricing, is taught by Lance Junk, who is a ChatGPT instructor and a AI wizard. आप उसकी ratings देख सकते हैं, 4.6, so very highly rated, 485 ratings already. There are 4,264 students who have taken this course already. So this is a great start. अगर आप AI in general को समझना चाहते हैं, then I will highly recommend 2 courses जो एक bunch of instructors पढ़ाते हैं, who are terrific and world class in their field. Hadelin, Kirill, Luca, जॉर्डन, ये सब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, AI एक्सपर्ट्स हैं, एंड दे हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. सो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कोर्स इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A to Z, लर्न हाउ टू बिल्ड एन AI. तो यू कैन एक्चुअली गो डीप इनटू इट. करीब 2 लाख स्टूडेंट्स इस कोर्स को ऑलरेडी ले चुके हैं, 4.4 रेटेड, विच इज वेरी हाई. अगेन अ सिमिलर कोर्स इज मशीन लर्निंग A to Z.
Python and R in Data Science 2023. Machine learning is the best way for you to understand ki AI kaam bhi kaise karta hai. And Python and R are the two languages on which a lot of machine learning happens. By the same instructors, and they are terrific in what they do. As you can see, almost 10 lakh students is course ko le chuke hain, and it is still rated 4.5, which is a brilliant rating. So highly recommend these three courses to get started on your AI journey when it comes to passive income. Number 5, investing in index funds. Index funds kya hote hain? Index funds ek group of stocks ko track karte hain, which are meant to have a certain objective. For example, Nifty 50 index fund इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स को ट्रैक करता है. वो कैसे मूव कर रहे हैं, उनका वेटेज कैसे बदल रहा है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है. आप अगर एक इंडेक्स निफ्टी 50 फंड में अपने पैसे डालेंगे, तो जैसे जैसे वो टॉप 50 कंपनीज परफॉर्म करेंगी, आपका पैसा वैसे ही परफॉर्म करेगा. इट्स द बेस्ट वे टू अर्न पैसिव इनकम, लेकिन over a long period of time. अगर आप सिर्फ 1-2 साल के लिए करेंगे, may not be the right investment to make, लेकिन अगर आप 3-5 उससे ज्यादा वक्त के लिए अपना पैसा डाल सकते हैं, एंड हर साल ऑलमोस्ट अच्छे से फैशन में आपका वो पैसा ग्रो करना चाहिए, देन इंडेक्स म्यूचुअल फंड इज अ गुड वे टू इन्वेस्ट. इसके चलते अगर आप थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं, देन टॉप 50 कंपनीज को छोड़ के आप टॉप 100 मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड द मिड कैप 100 इंडेक्स. ये वो कंपनीज हैं जो 7-20 हजार करोड़ के मार्केट कैप में है. टॉप 100 है तो ये भी मूव करती रहेंगी, लेकिन ये ज्यादा रिस्की क्यों है? क्यों? क्योंकि टॉप 50 कंपनीज के कंपैरिजन में ये कंपनीज थोड़ी ज्यादा उतार चढ़ाव से एक्सपीरियंस होती हैं. सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये थोड़ी छोटी कंपनियां हैं, तो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से कोई रिसेशन आ गया, इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट इन पे पड़ता है. बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे जनरेट बेटर results and returns. अगर आप और ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, which are the smallest companies out there, but listed on the stock exchange. A good portfolio is अगर आपके पास 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए और आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो my suggestion, 60% आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स में डालेंगे, 25% आप एक मिड कैप 100 इंडेक्स में डालेंगे, and then 15% स्मॉल कैप इंडेक्स फंड. इसके चलते आप अच्छे से अपने रिस्क को मैनेज करेंगे, अपने पैसे को बढ़ाएंगे, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू बी सरप्राइज्ड एट हाउ मच पैसिव इनकम यू विल जनरेट. स्टॉक मार्केट को समझना आसान है, लेकिन थोड़ी मेहनत लगती है. इसी के लिए अगर आपको कोर्सेज चाहिए, तो Udemy अगेन हैज अ बंच ऑफ रियली हाई क्वालिटी कोर्सेज, मोस्ट ऑफ विच आई हैव ऑलरेडी कंज्यूम. ये बहुत बढ़िया कोर्स है, द कंप्लीट फाउंडेशन स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स. ये ट्रेडिंग कोर्स है, इन्वेस्टिंग कोर्स नहीं है, बट दिस रिक्वायर्स यू टू बी स्लाइटली मोर एक्टिव, इनफैक्ट अ लॉट मोर एक्टिव. लेकिन What I like about this course is कि ये technical analysis, candlesticks, वो सारी चीजें आपको अच्छे से सिखाता है, in addition to day trading. It is conducted or run by a guy called Mohsin Hassan, who is considered to be one of the best instructors out there for stock trading, and do check that out. फिर technical analysis masterclass, ये मैंने कोर्स लिया था ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले. 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स को ले चुके हैं. ज्योति बंसल, जो एक क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, वो इसको सिखाती हैं, एंड शी इज रियली गुड विद इट. उनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, एंड आई थॉरली एंजॉयड दिस कोर्स व्हेन आई टुक इट. एंड देन स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स, 4-in-1 कोर्स बंडल. दिस इज अ ग्रेट कोर्स दैट आई विल हाईली रेकमेंड फॉर ऑल बिगनर्स, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करी जाए. यू विल सी दैट इट इज अ हाईली रेटेड कोर्स. देर आर मोर देन 5,000 रेटिंग्स. 34,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स को ले चुके हैं. 4.6 रेटिंग इसको मिल चुकी है, एंड इट इज ओनली 9 आवर्स. सो 9 घंटे के अंदर अंदर आपको हर एक चीज मिल जाएगी जो आप एज अ बिगनर सीखना चाहते हैं. ऑल ऑफ दीज लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट. तो आप इनको क्लिक करके इन कोर्सेज को ले सकते हैं, एंड ना सिर्फ वो, अगर आप इन कोर्सेज को खरीदते हैं लिंक के थ्रू, तो मैं एक अफिलिएट इनकम कमाता हूं. 100% ऑफ दैट गोज टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ किड्स who cannot afford it. 2022 जनवरी टू दिसंबर में हमने 60 लाख रुपए 123 बच्चों की पढ़ाई की तरफ कंट्रीब्यूट किया. All thanks to you. God bless you all. हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है eyeballs.to का. अगर आप उस पर क्लिक करेंगे एंड अपना ईमेल एड्रेस उसमें भरेंगे, आपको एक यूनिक लिंक मिलेगा जो कि इस वीडियो के लिए है. उस लिंक को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, सोशल मीडिया पे कहीं भी शेयर करिए, विद द ऑब्जेक्टिव कि उस लिंक को क्लिक करके लोग इस वीडियो को
व्यू करेंगे। आप अपने डैशबोर्ड पे ये देख सकते हैं कि आपके लिंक को क्लिक करके कितने लोगों ने इस वीडियो को व्यू किया है, एंड टॉप 6 पीपल जो सबसे ज्यादा व्यूज जनरेट कर पाएंगे अपने लिंक से, उनको मैं ये 6 यूडेमी की कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। 3 जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, एंड 3 जो कि स्टॉक मार्केट पे है। ये एक तरीका है ये देखने का कि आपका सोशल मीडिया रेफरल कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसके थ्रू क्या मैं आपको इंसेंटिवाइज करके इस वीडियो पे व्यूज जनरेट कर सकता हूँ। इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, देखते हैं क्या होता है। पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, स्टार्ट नाउ। नंबर 6, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका पैसिव इनकम जनरेट करने का, कॉल्ड द रिवर्स पैसिव इनकम। इसमें आप एक्टिवली एक इनकम नहीं जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन जहां जहां भी आपके खर्चे होते हैं उसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करके आप उन खर्चों को कम करने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, यू सेव ऑन लोन रिफाइनेंसिंग। आपका कहीं लोन चल रहा है लेकिन आपको किसी और बैंक से एक सस्ते और कम इंटरेस्ट रेट पे वो लोन मिल सकता है, एट नो एडिशनल कॉस्ट, फोरक्लोजर या कुछ, तो यू विल मूव देयर। आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है ड्यू हो चुका है, आप पूरी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दे विल से कन्वर्टेड इनटू अ लो इंटरेस्ट देन व्हाट यू पे 35-40%, तो यू विल डू दैट एंड सेव मनी देयर। आपने कोई सब्सक्रिप्शन ली हुई है, उस सब्सक्रिप्शन की तरफ एक नया ऑफर निकल चुका है विच विल हेल्प यू सेव मनी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू विल ऑप्ट फॉर दैट। इसका मतलब है कि आप एक्टिवली कोई इनकम नहीं जनरेट कर रहे हैं, बट एवरी एक्सपेंस ऑफ योर्स इज लुक्ड एट क्लोजली एंड यू ट्राई एंड सेव मनी थ्रू दैट। ऑलवेज अ स्मार्ट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट योर एक्सपेंसेस। नंबर 7, एक कोर्स क्रिएट करिए। मैं बहुत सारे कोर्सेज चलाता हूं, आप भी बहुत सारे कोर्सेज चला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने यंग हैं या आप कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। कोर्सेज का सबसे मेन बेनिफिट होता है क्यूरेशन। इतना सारा कंटेंट दुनिया में फैला हुआ है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एक चीज चाहिए कि कोई उस पूरे कंटेंट को स्कैन करके, क्यूरेट करके एक अच्छा सा डिजाइंड करिकुलम बना दे, चाहे वो स्टॉक ट्रेडिंग हो, चाहे वो यूट्यूब कैसे बनाते हैं हो, चाहे वो लिखते कैसे हो, चाहे वो किताब कैसे पब्लिश करते हो, चाहे वो CBSE का कोई हो, वट एवर द केस में भी, अगर आपको कुछ ऐसा पता है जो आपको लगता है आप उसमें अच्छे हैं, बहुत अच्छे से लोगों को पढ़ा सकते हैं, देन क्रिएट अ कोर्स, बिकॉज वंस यू क्रिएट दैट कोर्स वो जिंदगी भर चलेगा, एंड आप जब सो भी रहे होंगे तब भी वो कोर्स बिक रहा होगा और आपके लिए ऐसे बना रहा होगा। नंबर 8, बिल्ड एन ऐप। अगर आप कोडिंग जानते हैं या अगर कोडिंग नहीं भी जानते हैं लेकिन किसी कोडर को जानते हैं जो आपके लिए ऐप बना सकता है, देन बिल्ड एन ऐप, क्योंकि ऐप बना के और उसको रिलीज करके इफ यू डू अ गुड जॉब ऑफ स्प्रेडिंग द वर्ड अराउंड एंड वो ऐप वाकई में लोगों की मदद करता है और उनके लिए फायदेमंद होता है, इट विल स्टार्ट स्प्रेडिंग एंड यू विल मेक पैसिव इनकम फ्रॉम दैट। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एन ऐप दैट आई स्टार्टेड ऑलमोस्ट 2-2.5 years बैक विद अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन अक्षय, एंड वो ऐप था अराउंड स्लीप। सोना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि सोना बहुत जरूरी है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग सो नहीं पाते हैं सही से, सो वी क्रिएटेड एन ऐप दैट हेल्प्ड पीपल स्लीप, चाहे वो स्लीप साउंड्स हो या स्लीप स्टोरीज हो या स्लीप मेडिटेशन हो, एंड उसका फोकस US और UK था क्योंकि वहां हमें लगा कि ये स्लीप की बीमारी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, एंड इट एक्चुअली डिड रियली वेल। 1 million से भी ज्यादा डाउनलोड्स ओवर द लास्ट 2 years हैपेंड एंड इट स्टिल कंटिन्यूज टू रन, एंड ऑल ऑफ दैट वॉज पैसिव इन द सेंस कि हम कलेक्टिवली उस पर कुछ ही घंटे एक हफ्ते के बिताते थे, एंड येट इट वॉज समथिंग दैट स्टार्टेड मेकिंग मनी थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू सब्सक्रिप्शंस, एंड मेड ब्रिलियंट पैसिव इनकम स्ट्रीम। नंबर 9, ईबुक्स पब्लिश करिए। अगर आप कोर्स नहीं बना सकते क्योंकि आप वीडियो नहीं रिकॉर्ड करना चाहते या आपके पास उतना कंटेंट नहीं है टू फिल इन दोज आवर्स, तो एक ईबुक पब्लिश करिए। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु हैव क्रिएटेड गुड क्वालिटी ईबुक्स और वो $1 या $29, $45, $50 में बेचते हैं, बट बिकॉज इट सेल्स इन थाउजेंड्स यू स्टार्ट मेकिंग दैट मनी, एंड द बेस्ट थिंग इज वो ईबुक अब यूनिवर्स में जा चुकी है तो वो बिकती रहेगी जब आप सो रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, व्हाटएवर द केस में बी, मेकिंग यू दिस पैसिव इनकम स्ट्रीम। तो अगर यू नो समथिंग दैट द वर्ल्ड वांट्स टू नो एंड यू कैन ऑर्गेनाइज दैट इन्फॉर्मेशन इन एन ईबुक, प्लीज पब्लिश दैट एंड मेक दिस पैसिव इनकम स्ट्रीम कम लाइव। नंबर 10, अगर आप एक फोटोग्राफर हैं या अगर फोटोग्राफर नहीं भी हैं लेकिन फोन से तो आप सभी लोग बन चुके हैं, तो आप अपनी हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स एक स्टॉक इमेजेस साइट पे बेच सकते हैं। देयर आर मल्टीपल साइट्स आउट देयर जिनको जरूरत है हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स की, फोटोग्राफ्स विच आर वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी कंटेक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया स्पेसिफिक फोटोग्राफ्स बहुत कम मिलती हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अगर आप किसी भी
गूगल सर्च पे जाके बोलेंगे फैमिली ईटिंग डिनर, तो यूजुअली आपको अमेरिकन या व्हाइट पीपल ही दिखेंगे, लेकिन कभी भी भारतीय लोग नहीं दिखेंगे हमारे स्किन के, हमारे टोनालिटी के, हमारे एनवायरनमेंट में. सो देयर इज अ नीड फॉर अ लॉट ऑफ इंडिया स्पेसिफिक फोटोग्राफ्स. एंड इफ यू लव क्लिकिंग एंड इफ यू फाइंड योरसेल्फ जॉयफुली क्लिकिंग गुड फोटोग्राफ्स, देन प्लीज लिस्ट देम ऑन अ स्टॉक इमेजेस साइट. वो जब जब बिकेगी तब तक आप पैसे कमाएंगे एंड इसके लिए आपको एक्टिवली अपना वक्त नहीं बिताना पड़ेगा. Number 11, affiliate marketing, something that I have benefited from a lot, and because of that, a lot of students have. Affiliate marketing होती है जब आप किसी brand के साथ tie up करते हैं और उनके services या products को promote करते हैं through links. उस link पे अगर लोग click करके कुछ खरीदते हैं तो आपको एक percentage मिलता है of the revenue generated. मैं अपनी affiliate income से पिछले साल 60 लाख रुपए कमा चुका हूं. And what I had promised when I started affiliate marketing is 100% of that income will go towards the education of kids जो उसको खुद afford नहीं कर सकते हैं. तो पिछले साल जैन टू दिसंबर 2022 में वो 60 लाख 123 बच्चों की पढ़ाई की तरफ contribute किए गए. All thanks to you, क्योंकि आप ही ने उन links पे click किया, कुछ खरीदा एंड उसके थ्रू वो इनकम जनरेट हुई. आप ये खुद के लिए भी कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू डोनेट इट टू एनीबॉडी. अगर आपका एक नेटवर्क बना हुआ है ऑफ योर स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स या ऑफिस फ्रेंड्स, या अगर आप एक नेटवर्क का भाग है इन योर कॉलोनी और एनीवेयर एल्स, तो आप ब्रांड्स के साथ साइन अप कर सकते हैं, उनसे एक एफिलिएट लिंक मांग सकते हैं एंड द प्रमोशन ऑफ दैट लिंक विल देन हेल्प यू मेक पैसिव इनकम. ब्रिलियंट. नंबर 12, और ये अभी भी चलता है, डोमेन नेम्स और उनको फ्लिप करना. फ्लिप का मतलब डोमेन नेम्स खरीदिए और क्योंकि वो बहुत एक्साइटिंग है या बहुत कंटेक्सुअल है या बहुत ट्रेंडी है उस मोमेंट में, उनको जल्दी से बेच दीजिए. एंड दिस इज अ ग्रेट वे टू मेक मनी. ये पहले बहुत एक्टिव हुआ करता था, लेकिन अब ऑफकोर्स डोमेन नेम्स लगता है कि कम हो गए हैं क्योंकि लोग ज्यादातर एप्स में जाते हैं, लेकिन अभी भी मरे नहीं है. देर आर सो मेनी प्रीमियम डोमेन नेम्स जो लोग खरीदने के लिए तैयार है. वेब वेदा जो मेरी एजुकेशन कंपनी है, उसका डोमेन नेम webveda.com मैंने 2 साल पहले खरीदा था 2.5 लाख रुपए में. एंड दैट इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू, बिकॉज आई वॉन्टेड दैट डोमेन फॉर माई सेल्फ. मुझे याद है ऑलमोस्ट 10 साल पहले जब ऑलमोस्ट 15-20 साल पहले .in डोमेन एक्सटेंशन लॉन्च हुआ था और मैंने indiavotes.in बुक किया था. आई cannot disclose कि मैंने वो किसको बेचा, लेकिन मैंने जिसको भी बेचा उसको मैंने वो 1 लाख रुपए में बेचा था. एंड दिस वॉज ऑलमोस्ट 15-20 years back. एंड दैट जस्ट मेड हैप्पी मनी फॉर मी. तो अगर आपके पास कोई ऐसा डोमेन नेम आता है जो कि बहुत यूनिक है, बहुत पॉपुलर है और आपको लगता है कि वो किसी ट्रेंड या किसी कॉन्टेक्स्ट को मैच कर सकता है, देन बाय दैट डोमेन नेम फॉर चीप एंड देन सेल इट फॉर अ हायर अमाउंट लेटर ऑन. नंबर 13, ड्रॉपशिपमेंट. ड्रॉपशिपमेंट बहुत कॉमन है और बहुत एक्टिवली यूज होता है बाय अ लॉट ऑफ यंग पीपल. ड्रॉपशिपमेंट मींस कि आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़न जैसी वेबसाइट पे लिस्ट करेंगे. अमेज़न के 2 मोड्स होते हैं, एक वो खुद प्रोडक्ट्स को ओन करते हैं एंड देन दे शिप इट टू यू, या वो ड्रॉपशिपर्स से एक मार्केटप्लेस मॉडल में ऑपरेट करते हैं. इसका मतलब आप वो प्रोडक्ट अगर एज अ कस्टमर खरीद रहे होंगे तो अमेज़न वो ऑर्डर उस ओनर को भेजेगा एंड बोलेगा कि आप डायरेक्टली वो शिपमेंट कर दीजिए टू द कस्टमर. सो यू विल गेट दैट ऑर्डर, यू विल पैक द प्रोडक्ट एंड यू विल शिप इट. ये एक्टिव है इन द सेंस कि आपको वो पैकेजिंग और शिपमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर उसके लिए आप लोगों को एम्प्लॉय करते हैं तो ये एक पैसिव इनकम का बहुत बढ़िया सोर्स बन जाता है, वेयर यू कैन प्रमोट एनीथिंग. कुड बी मेंस फैशन, कुड बी वुमेन्स फैशन, कुड बी होम यूटेंसिल्स, कुड बी स्टेशनरी, कुड बी बुक्स, whatever is it that you have access to, क्योंकि फिर सोते सोते भी आप उस चीज को बेच पा रहे होंगे. नंबर 14, अगर आपके पास पार्किंग स्पेस है तो उसको आप रेंट आउट कर सकते हैं. पार्किंग स्पेस ज्यादातर बड़े बड़े शहरों में बहुत कीमती और बहुत रेयर होती जा रही है. हमारी कॉलोनी में ही पार्किंग स्पेस खत्म हो चुकी है. तो अगर आप एक पार्किंग खरीदना चाहते हैं, आप जितने भी पैसे दे सकते हैं वो नहीं अवेलेबल है, लेकिन रेंट पे अवेलेबल है. 7,000 रुपए महीना एक गाड़ी को पार्क करने के लिए, मतलब एक गाड़ी का 1 साल का ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का खर्चा है सिर्फ पार्किंग. एंड दिस इज ऑन टॉप ऑफ द गाड़ी का कॉस्ट इटसेल्फ. तो गाड़ी होना तो महंगा हो ही चुका है, लेकिन अगर आपके पास कोई पार्किंग स्पेस है, या अगर आपके पास कोई ऐसी स्पेस है जो दुकान नहीं बन सकती या कोई होटल नहीं बन सकता या कोई घर नहीं बन सकता, लेकिन इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ पार्किंग स्पेस, then that could be a smart way for you to do it. And do it legally, of course. Don't do it illegally. Lekin agar aap parking space create kar sakte hain, to please kariye aur usko rent out kariye. Passive income at its best.
नंबर 15, अगर आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बन चुके हैं तो आप एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के थ्रू एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, जहां यू विल जस्ट क्रिएट दैट कंटेंट एंड यू विल गेट पेड फॉर क्रिएटिंग दैट कंटेंट। मैं एक्टिवली ये करता हूं विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स वेयर आई कोलैबोरेट विद देम एंड आई हेल्प देम गेट टू इट। फॉर एग्जांपल, ये वीडियो यूडमी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, सो दैट इज अ कोलैबोरेटिव पोस्ट वेयर आई एम एंडोर्सिंग यूडमी बिकॉज आई लव देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर सर्विसेज एंड दे हैव ऑफकोर्स पेड मी फॉर डूइंग द सेम थिंग। द सेम वे, अगर आपके पास एक सोशल मीडिया फॉलोइंग है एंड यू लव द कॉन्टेंट दैट यू क्रिएट, देन यू कैन हेल्प ब्रांड्स रीच आउट टू योर ऑडियंस एज वेल। नंबर 16, अगर आपको लिखना बहुत पसंद है तो आप एक न्यूज़लेटर क्रिएट कर सकते हैं, उस न्यूज़लेटर के थ्रू आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इफ देर आर इनफ पीपल हु आर फॉलोइंग योर न्यूज़लेटर, तो आप उस ऑडियंस को मोनेटाइज कर सकते हैं थ्रू ब्रांड कोलैबोरेशंस, थ्रू अफिलिएट लिंक्स, थ्रू इंसर्टमेंट और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो आप खुद बेचना चाहते हैं। एनीथिंग गोज, जब तक आपके पास लोगों का ईमेल एड्रेस है और उनका अटेंशन है, यू हैव द एबिलिटी टू मोनेटाइज इट ब्यूटिफुली एंड पैसिवली। नंबर 17, मर्चेंडाइज बेचिए ऑनलाइन। अगर आप एक डिजाइनर हैं, अगर आप एक प्रोडक्ट क्रिएटर हैं, अगर आपको चीजें बनाना पसंद है, देन यू कैन एक्चुअली क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सेल दोज ऑनलाइन, और यू कैन क्रिएट डिजाइंस एंड सेल देम ऑनलाइन। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं। व्हाट इज नीडेड इज फॉर यू टू क्रिएट दैट एंड टू बी एबल टू सेल इट आइदर ऑन योर ओन डेस्टिनेशन और प्रेफरेबली एक मार्केट प्लेस, जहां आपको खुद वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाना पड़े। आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करिए एंड देन यू सेल and make happy money। Number 18, cloud kitchens, Zomato, Swiggy, हम order किए जा रहे हैं, लेकिन cloud kitchens एक बहुत interesting model है, जहां आप एक restaurant नहीं बनाते हैं, आप बहुत ज़्यादा rental नहीं देते हैं for a fancy place and so on, आप कहीं पिछवाड़े में, कहीं अंधेरे में तो नहीं, मतलब कोई non fancy जगह में एक सिर्फ kitchen बनाते हैं, जहां सिर्फ खाना बनता है। एंड आप अपने उस रेस्टोरेंट को, जहां कोई आता नहीं है लेकिन वहां से सिर्फ खाना निकलता रहता है, Zomato Swiggy पर लिस्ट करते हैं एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग अ पैसिव इनकम स्ट्रीम। तो आपको एक शेफ चाहिए, आपको वो जगह चाहिए, आपको वो लोग चाहिए जो उस खाने को पैक कर सकें, उसको प्रोड्यूस कर सकें, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट ट्रैक द ऑर्डर्स एंड यू हैव अ नाइस हैप्पी बिजनेस सेट अप। नंबर 19, डिविडेंड स्टॉक्स, वो स्टॉक्स जो अपने प्राइस में इतना ज्यादा ग्रो नहीं करते लेकिन साल में डिविडेंड्स रिलीज करते हैं। डिविडेंड्स क्या होते हैं? जब कभी भी एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट के दो यूज हो सकते हैं, या तो उस प्रॉफिट को वापस कंपनी में डालिए ताकि वो कंपनी ग्रो होती रहे, या अगर कंपनी को लगता है कि इसका बेस्ट यूज कंपनी में वापस पैसे डालना नहीं बल्कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, देन दैट इज कॉल्ड अ डिविडेंड, व्हिच इज प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सो इफ यू आर अ ओनर ऑफ दैट स्टॉक, तो उस स्टॉक को बिना बेचे हुए आपको एक डिविडेंड मिलेगा, विच इज अ नाइस हैप्पी पैसिव इनकम फॉर ओनिंग द स्टॉक। डिविडेंड स्टॉक्स पे मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया था जो आप चेकआउट कर सकते हैं टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ डू दे वर्क। नंबर 20, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट से तो मुझे काफी नफरत है क्योंकि वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करते, लेकिन अगर आपको इस फिक्स्ड रिटर्न से प्यार है देन आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इवेल्युएट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक तरीके से लोन होते हैं जो कंपनी मांग रही होती है फ्रॉम पीपल, तो उनको वो लोन बैंक्स देती है लेकिन हमारे जैसे लोग भी उनको वो लोन दे सकते हैं एंड थ्रू दैट वी अर्न अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये काफी रिस्की इसलिए है क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कंपनी को कुछ हो जाए तो पूरे का पूरा पैसा जा सकता है, इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदें तो हाईली रेटेड ही हो, विच शुड बी अ ट्रिपल ए और अ डबल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदने का एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है विंट वेल्थ। डिस्क्लोजर, मैं विंट वेल्थ में एक इन्वेस्टर हूं, तो जो मैं बोल रहा हूं वो मेरा एक बायस्ड ओपिनियन है, बट मैं अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विंट वेल्थ से ही खरीदता हूं। आप कहीं भी और चेकआउट करके वो भी ले सकते हैं। नंबर 21, गोल्ड लोन्स, अगर आपके पास बहुत सारा सोना है और सोने को आप ज्यादातर यूज नहीं करते, मे बी इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी और एनीवेयर एल्स, तो आप उस गोल्ड को लोन पे दे सकते हैं सो दैट यू स्टार्ट अर्निंग अ इंटरेस्ट ऑन दैट। दिस इज अ ग्रेट वे टू डिप्लॉय द एक्सेस गोल्ड दैट इज देयर इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन हाउस होल्ड एंड इसके थ्रू आप एक पैसिव इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं थ्रू समथिंग दैट यू ओन बट डोंट यूज। नंबर 22, P2P लेंडिंग, बहुत रिस्की है तो मैं इसको बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। आप बेसिकली किसी को लोन देते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है और वो इंसान आपको वो पैसा वापस देता है लेकिन एक इंटरेस्ट के साथ,
पी2पी आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो दोस्त अगर बोले यार दोस्ती में पैसे थोड़ी चलते हैं, आप तो भाई हो, तो फिर वो पैसा शायद वापस कभी नहीं आएगा। एंड द राइट वे टू डू दैट इज थ्रू प्लेटफॉर्म। सो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां आप पी2पी लेंडिंग कर सकते हैं। नॉट समथिंग दैट आई वुड पर्सनली रेकमेंड, क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है, बट इफ यू रियली केयर अबाउट पुटिंग योर मनी इन एंड अर्निंग अ हैप्पी रेट ऑफ रिटर्न, देन यू कैन एक्सप्लोर दैट, डू इट एट योर ओन रिस्क। And number 3 is finally the best way to earn a passive income is to continue investing in yourself. Aap sabse best investment hai khud ke liye. Agar aap apni padhai, apni growth, apni experiences, apne failures mein invest karenge, you will continue to make income whichever way is possible. To jo pehle 22 tarike maine bataye, wo sab aap chutki mein kar payenge agar aap us 23ve pe sabse zyada dhyan denge. So whatever happens 2023 mein, हम अपने ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज दैट विल इंश्योर दैट वी हैव द बेस्ट वे टू जनरेट पैसिव इनकम, नॉट जस्ट नाउ बट फॉरएवर। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।